Chapter 3 Animal Senses. We will continue from senses of touch. Okay, a cockroach can detect the tiniest movement by its feeler. A crab has hair on its claw and other parts of the body to detect water current and vibrations. Crickets and grasshoppers have a tiny membrane on their front legs which help them to feel the vibration of the sound waves. Fishes and frogs can sense the current in water with the help of their skin. This helps them to find out the direction in which they should move in water. Animals like cats have long whiskers which are extremely sensitive to touch and nearby movements. Whiskers are especially useful in dark places or at night when the animals cannot see. Animals find their way in dark places by feelings with their whiskers. So, senses of touch. तो cockroach अपना जो कुछ भी movement होता है, ठीक है, कैसे detect करता है? Tiniest movement by feelers. तो जो उसके अंदर जो feelers होते हैं, जो feel करने वाली जो होती है senses, उससे वो detect करता है. Crab के ऊपर claws पे hair होता है, okay? And other parts of the body. और बाकी parts of the body के ऊपर भी. ताकि जो वाटर करंट है एंड वाइब्रेशंस है वो डिटेक्ट कर सके. क्रिकेट्स और ग्रास होपर्स जो हैं होते हैं उनके ऊपर थिन मेम्ब्रेन होता है फ्रंट लेग के पास, ओके, जो उन्हें हेल्प करता है वाइब्रेशन साउंड वेव्स के वाइब्रेशन को फील करने में. फिश और फ्रॉग जो होते हैं वो सेंस करते हैं करंट ऑफ वाटर को, ठीक है, किससे? स्किन से, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि वाटर में उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है. एनिमल्स लाइक कैट, जैसे कि कैट हो गए, उनके पास विस्कर्स होते हैं, ओके, जो निकला रहता है ना मुंह के पास, ओके, लंबे लंबे हेयर्स, उसको बोलते हैं विस्कर्स. तो जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टच करने पे, ओके, एंड नियरबाय मूवमेंट. विस्कर्स जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं डार्क प्लेसेस में, स्पेशली एट नाइट व्हेन द एनिमल्स कैन नॉट सी. जब रात में एनिमल्स कुछ नहीं देख पाते हैं तब उनके विस्कर्स उनको हेल्प करते हैं. एनिमल्स फाइंड their way in the dark place by feeling with their whiskers. Animals जो होते हैं अब वो अपना way कैसे देखते हैं dark में? By the feeling of their whiskers. Okay? Now sense of taste. Animals are also able to sense taste the air that has a smell of food. Animals are also able to taste the air that has a smell of food. Okay, so we have completed senses of touch. Okay, so what we have learned in that about cockroach, crab, crickets, fishes and frogs, animals like cats and other animals which cannot see in the dark place. So students, what helps the animals to feel or to touch extremely, which are extremely sensitive in the in night, which parts of the body? Whiskers, okay? Whiskers help the animals to find their way in the dark place by feeling with their whiskers, okay? Not sense of taste. Animals are also able to taste the air that has the smell of food. Monkeys coming to eat the fruit from the trees
is a typical example. Okay, a pig tongue contains 15,000 taste buds. In comparison, human tongue has only 9,000 taste buds. तो जो पिग होता है, ओके, उनके टंग पे कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं? 15,000. और जो ह्यूमन होते हैं उनके टंग पे कितने होते हैं? 9,000. अ रैबिट टंग कंटेन्स 17,000 टेस्ट बर्ड्स. तो रैबिट का जो टंग होता है वो कितना टेस्ट बर्ड्स कंटेन करता है? 17,000. ओके, खरगोश के पास कितने टेस्ट बर्ड्स हैं? 17,000. एंड पिग 15,000. नाउ सेंसेस ऑफ हियरिंग. माइस एंड रैट्स कैन हियर इवन द टाइनीस्ट साउंड्स. तो जो माइस होते हैं, चूहिया और चूहा जो होते हैं, उनको छोटा सा भी जो साउंड होता है ना, वो भी उनको सुनाई देता है. माइस कैन सेंस सरफेस एंड एयर मूवमेंट विद देयर विस्कर्स. तो जो माइस होते हैं वो सेंस कर सकते हैं सरफेस को और एयर के मूवमेंट को. किसके थ्रू? विस्कर्स के थ्रू. बर्ड्स और हैव गुड हियरिंग कैपेसिटी. बर्ड्स जो होती हैं उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है. दे कैन हियर शॉर्ट वेवलेंथ. वो शॉर्ट वेवलेंथ्स को भी हियर कर सकती हैं. ओके, बर्ड्स आर एक्टिव एट नाइट. दे हैव अ कॉम्प्लेक्स हियरिंग सेंस. दे एमिट हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स विच रिफ्लेक्ट ऑफ द प्रे एंड कम बैक टू द बैट. दिस इज नोन एज इकोलोकेशन. इट हेल्प्स देम टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ प्रे and its position. Snake has no external ears, therefore it does not hear the music of a snake charmer. It responds to the movement of the snake charmer and the flute through vibrations. Snake is very sensitive to the vibrations in the body in the direct contact with the wavelength. Okay, अप्रोच ऑफ एवरी एनिमल्स. सो वॉट इज़ देयर? तो वेव वैट जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं नाइट्स में. उनकी जो हियरिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. वो एक साउंड छोड़ते हैं, फ्रिक्वेंसी साउंड, ओके, जो सामने जाता है फिर वापस रिफ्लेक्ट होके बैट्स के पास होता है, आता है, जिसको हम बोलते हैं इको लोकेशन. वो हेल्प कर देता है बैट्स को कि सामने कैसा प्रे है, किस पोजिशन पर खड़ा है. जो स्नेक होते हैं उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, तो देयरफॉर इट डज नॉट हियर द म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर. तो जो स्नेक होता है वो स्नेक चार्मर का म्यूजिक नहीं सुन सकता है. इट रिस्पॉन्ड टू द मूवमेंट ऑफ द स्नेक चार्मर. तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? मूवमेंट ऑफ द स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर का जो मूवमेंट होता है उस पर रिस्पॉन्ड करता है. एंड द फ्लूट थ्रू वाइब्रेशन. और जो फ्लूट से वाइब्रेशन निकलता है उस पर. स्नेक इज वेरी सेंसिटिव टू वाइब्रेशन. स्नेक्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन पर बहुत सेंसिटिव होते हैं. ओके, इट्स बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, हैंस इट कैन सेंस द अप्रोच ऑफ एवरी एनिमल. तो क्या है कि उसका जो स्नेक जो होते हैं उनके जो बॉडी होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखता है ग्राउंड से, इसलिए कोई भी एनिमल जितना पास में होगा, दूर में होगा, सारा उनको पता चल जाएगा. कोई आ भी रहा होगा वो भी पता चल जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन इन एनिमल्स. Animals need to communicate to warn their groups of danger, express their joy, fears and need to mates. They communicate through sounds and smell, movements and other different ways. Elephants make a number of sounds for communicating. Elephants are famous for their trumpet calls. Trumpeting is usually made during excitement. Elephants also make rumbling growls while greeting each other. They show their affection by intuiting their trunks. Okay? तो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कब कम्युनिकेट करते हैं? तो जब उनको वार्म करना रहता है. ओके, जब उन्हें वार्म करना रहता है किसी डेंजर का, या एक्सप्रेस करना रहता है जॉय फीलिंग्स, तो वो साउंड निकालते हैं या स्मेल करते हैं दूसरे के मूवमेंट को, और भी डिफरेंट वेज में. एलिफेंट्स क्या करते हैं? वो अपने सूंडों को रंबल करते हैं. देन दे कॉल फॉर रोलिंग. दे शो देयर अफेक्शन बाय इंट्यूटिंग देयर ट्रंक्स. Bees dance when they find nectar. Dove barks, cat purrs, frog croaks, cricket creeps. Monkeys howl when they sense danger. Whales and dolphins communicate using clicks and whistles. Mice and rats communicate with loud quakes for long distance warning in their ultrasound range for short distance communication.
तो बीच जो होते हैं वो डांस करते हैं व्हेन दे फाइंड नेक्टर, तो जब वो नेक्टर फाइंड कर लेते हैं देन बीज डांस करते हैं। ओके डॉग क्या करते हैं? भौंकते हैं। कैट मैं मैं करती है। फ्रॉग क्या करता है? क्रॉक क्रॉक। क्रिकेट्स क्रिप। मंकीज हाउल करते हैं जब वो डेंजर को महसूस करते हैं। ओके वेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को क्लिक करके एंड विसल करके। माइस एंड जो रैट्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं लाउड साउंड निकाल के। ठीक है लॉन्ग स्वीक लॉन्ग डिस्टिंग साउंड्स एंड इन द अल्ट्रासाउंड रेंज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, स्लीप इज बेसिक नेसेसरी ऑफ एनिमल्स टू। एनिमल्स टू नीड टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। ऑल रेप्टाइल्स एंड मैमल्स बर्ड स्लीप्स एट सर्टन टाइम्स ऑफ द डे। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ द मेथड ऑफ द स्लीप डिफर्स अलॉट। स्मॉल एनिमल्स स्लीप मोर देन दे यूज अप फॉर द एनर्जी देन लार्ज एनिमल्स। ओके एंड सर्टन टाइप्स ऑफ डे हाउएवर देयर ड्यूरेशन एंड द मेथड्स ऑफ स्लीप डिफर अलॉट। स्मॉल एनिमल्स स्लीप मोर एज दे यूज अप मोर एनर्जी देन लार्ज एनिमल्स। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस फॉर 2 to 4 hours। डॉग स्लीप देन 10 hours बट इन मैनी शॉर्ट इंटरवल्स। जिराफ स्लीप फॉर लेस देन 2 hours। बैट स्लीप फॉर 20 hours। हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग। काउ स्लीप विद देयर आईज ओपन। बैट स्लीप बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन। माइग्रेटरी बर्ड स्लीप वाइल फ्लाइंग। ओके वी गॉट इट। तो जैसे कि ह्यूमंस एंड जैसे कि ह्यूमंस का जो बेसिक चीज़ होता है सोना, ठीक है, वैसे ही एनिमल्स का भी सोना बेसिक चीज़ है। एनिमल्स को भी नींद रेस्ट चाहिए और स्लीप चाहिए। सारे रेप्टाइल्स और जो मैमल्स हैं वो सर्टेन टाइम के लिए सोते हैं एक दिन में। ओके तो जो उनका ड्यूरेशन है और जो मेथड है स्लीप कर का वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। मैनी एनिमल्स स्लीप मोर देन दे यूज मोर एनर्जी एंड लार्ज एनर्जी। तो बहुत सारे एनिमल्स जो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज एनिमल्स। एलिफेंट और हॉर्सेस जो होते हैं वो 2 to 4 hours के लिए सोते हैं। डॉग स्लीप्स फॉर 10 hours बट इन मैनी शॉर्ट इंटरवल्स। डॉग्स जो होते हैं वो सोते हैं 10 घंटे के लिए लेकिन छोटे छोटे टाइम के लिए। ओके बैट स्लीप फॉर 20 hours। हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग। काउ स्लीप वाइल आइज ओपन। हॉर्स जो होते हैं वो खड़े खड़े ही सो सकते हैं, ठीक है, और काउस जो होते हैं वो अपना आँख खोल के सोते हैं। बैट स्लीप वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन। बैट्स जो होते हैं उल्टा होके सोते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप बाय फ्लाइंग। माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे सोते हैं? उड़ते उड़ते सोते हैं। ओके सो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 3। ओके स्टूडेंट्स सो व्हाट ऑल द टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे, लेट्स रिवाइज इट। फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड द सेंस ऑफ टच। Next is sense of taste. Next is sense of hearing. Next is communication in animals. And then sleeping habits of animals. Okay? Okay, students. Then I will send you the question answers in the PDF form in your WhatsApp. Okay? WhatsApp group. So you have to learn the chapters and also learn the points to remember. And wait for the next video of the next chapter. Okay? Okay, students. Then bye-bye. Have a nice day. See you. And please, students, be safe. Take precautions for your corona. Okay? Always be happy. Bye-bye.